पुलिस ने मंगलवार को साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए जैश के दो आतंकवादियों की पहचान जमील पाशा उर्फ उस्मान चाचू एक पाकिस्तानी और समीर सोफी वल्द फारूक अहमद सोफी निवासी आमशीपोरा शोपियां के रूप में की है। इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाशा कुलगाम शोपियां बेल्ट में 5 साल से एक्टिव था और उसके खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले, सिक्योरिटी फोर्सेज कर्मियों का अपहरण, आईईडी हमले और हथियार लूटने सहित कई मामलों की केस हिस्ट्री रही है। सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा वह युवाओं को आतंकवादी खेमे में भर्ती करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकवादी उस ग्रुप का हिस्सा थे जो 9 अप्रैल को कुलगाम के चाकी समत इलाके में एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद भाग गए थे। मंजगाम अरबल के नजदीक एक वाहन में आतंकवादियों की मूवमेंट के संबंध में एक स्पेशल इनपुट पर सोमवार शाम को मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके बाद कुलगाम पुलिस और सेना की 9 और 34 आरआर की एक स्पेशल ज्वाइंट टीम का गठन किया गया और लगभग 5:50 पर खुरबतपोरा के पास एक तिपैया वाहन को संदिग्ध स्थिति में चलते देखा गया और उसका पीछा किया गया और उसे चुनौती दी गई। हालांकि वाहन में सवार आतंकवादियों ने छलांग लगा दी और सिक्योरिटी फोर्सेज की ज्वाइंट टीम की ओर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। हालांकि शुरुआती फायरिंग में दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भारी फायरिंग के बीच निकाला गया और 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर है। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर साइट से 1 AK-47 राइफल, 3 AK-47 मैगजीन, 36 AK-47 राउंड, 1 पिस्टल, 1 पिस्टल मैगजीन, 5 पिस्टल राउंड, 1 ग्रेनेड, 1 BP पाउच और वेपन ऑयल बॉटल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।